विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड. तो मिडल चाइल्डहुड का पीरियड बताना है आपको. मिडल चाइल्डहुड में क्या होता है? पहला कह रहे हैं लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज. इंद्रियों से सीखना तो सबसे पहली स्टेज में होता है, मतलब जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक. तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसको तो इन्फेंसी कहते हैं. फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस. अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया मिडल चाइल्डहुड तो वो है जहां पे चाइल्डहुड में सबसे स्लो डेवलपमेंट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रैपिड बोला है. एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज साइंटिफिक रीजनिंग, ये एडोलेसेंट बच्चे करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, ये कौन करते हैं? एडोलेसेंट. तो मिडल चाइल्डहुड बोला है, ये भी नहीं हो सकता. चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, यस ये हो सकता है. बच्चे लॉजिकली सोचते हैं बट कॉन्क्रीट तरीके से, मतलब चीजें उनको आंखों के सामने चाहिए, अदरवाइज वो उसके बारे में लॉजिक नहीं लगा पाएंगे. तो बेस्ट आंसर जो है वो ये है. और इवन पियाजे की थ्योरी भी यही बताती है, हालांकि उसने मिडल चाइल्डहुड की बजाय इसके लिए टर्म अलग यूज करी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बट यही एक्सप्लेन किया है. ठीक है,